हेलो पेरेंट्स, आज हम बात करेंगे पेरेंटहुड के बारे में। तो क्या ये आसान है या मुश्किल? माता पिता के लिए अलग अलग समय पर यह अलग अलग एहसास हो सकता है, लेकिन बच्चों के लिए माता पिता ही सब कुछ होते हैं। वे अपने माता पिता को एक देवदूत की तरह देखते हैं जो उनके लिए सब सुलझा सकते हैं। एक पेरेंट होने के नाते मैं आपकी स्थिति पूरी तरह समझती हूँ और यह भी जानती हूँ कि मेरी तरह सभी माँ बाप के लिए अपने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य से ऊपर कुछ भी नहीं है। ये 5 टिप्स आपको अपने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने में मदद करेंगी। पहला, बच्चों को सुने और उन्हें प्रोत्साहित करें। सुनिश्चित करें कि बच्चे हमेशा आपसे अपने विचार और भावनाओं के बारे में आसानी से बात कर सकें। उनकी बातों का पॉजिटिव रूप में जवाब दें। उन पर हमेशा विश्वास करें और धैर्य रखें। सेकंड, बच्चों पर पूरा ध्यान दें। बच्चों से बात करते समय उनसे आंखों का संपर्क बनाए रखें। उस दौरान अपने मोबाइल या टीवी पर ध्यान बिल्कुल ना दें। तीसरा, बच्चों की रुचि को अपनी रुचि बनाएं। बच्चों के साथ उनके पसंदीदा टीवी शो, संगीत या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में बात करें। खाना पकाने या योग जैसी चीज़ें उनके साथ में करें। इससे आपको अपने बच्चों के करीब जाने में मदद मिलेगी। चौथा, बच्चों को पुरस्कार दें एवं प्रोत्साहित करें। बच्चों के कुछ अच्छा करने पर हमेशा उनकी प्रशंसा करें। उनके लिए एक सकारात्मक रोल मॉडल बनें। उन्हें बताएं कि भावनात्मक होने में कुछ भी गलत नहीं है। यह बताएं कि प्यार, गुस्सा, खुशी और दुख, यह सभी को जब भी वे महसूस करें तो आपसे ज़रूर बात करें। पांचवा पॉइंट, पारिवारिक नियम बनाएं। आपसी समझ में तय किए गए नियम बच्चों को सुरक्षित महसूस कराते हैं। नियमों के पालन पर बातचीत करने से चिंता, गुस्सा और अविश्वास कम हो सकता है। बच्चों के साथ एक टीम बनाकर कुछ कार्य करें जिससे आप दोनों का समय साथ में व्यतीत हो सके। अक्सर देखा गया है कि बहुत सी परेशानियाँ तो सबके साथ बैठने और मिलकर समस्याओं का समाधान ढूंढने से ही हो जाती हैं। कभी कभी परेशानियाँ उतनी बड़ी होती नहीं हैं जितना हम उन्हें बना देते हैं। आइए आज अपने आप को बदलते हैं और अपने बच्चों को मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित ऐसे ही कुछ टिप्स हम आपको देते रहेंगे। हमारे वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।